अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम और के मेहमान में आज की शख्सियत एक ऐसी गौहरे शाहवार है जो पाकिस्तान शोबिज़ में अपने जौहर दिखा रही हैं। मॉडलिंग, एक्टिंग, सिंगिंग, तकरीबन हर शोबे में ही अपना नाम कमा रही हैं। इसके अलावा PSL में गाया गया उनका नगमा उनकी असल वजह शोहरत बना। यूथ कल्चर एम्बेसडर हैं, ट्रिब्यूट वी कल्चरल की CEO हैं, एक खूबसूरत चेहरा हैं जिससे आज मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ। अलौरा सईदा आज हमारी मेहमान हैं, तो आइए चलते हैं, इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अलौरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आज आपने हमें अपना वक्त दिया। और अलौरे, सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये अलौरे जो नाम है, इसके पीछे क्या कहानी है? ये एक्चुअली निकनेम है, बिकॉज जब आप मीडिया में, आपको पता है, आप जाते हो सिंगिंग, मॉडलिंग, एनीथिंग, तो आपको एक निकनेम रखना पड़ता है। तो आई फॉलो वही मेथड मैंने फॉलो किया जो हर कोई मेथड फॉलो कर रहा है। मुझे रस्म चली आ रही है आपने उसको। एक्चुअली माय नेम इज सईदा इलिया कासमी। ओके, इट्स माय रियल नेम और दिस इज माय निकनेम अलौरा सईदा। ओके, ये शोबिस का नाम है, आपने सिंगिंग के लिए और इसके लिए यूज करती हैं। अच्छा अलौरा, आप ये बताएं कि अपनी इब्तदाई जिंदगी के बारे में, कहाँ से बिलोंग करती हैं, कहाँ एजुकेशन हासिल की? यहाँ हम लोग कश्मीर से हैं, श्रीनगर कश्मीर से। जब हुआ था इंडिया पाकिस्तान का ना, तो तब हम लोग माइग्रेट करके ना, हमारी जो ग्रैंडफादर हैं वो लोग पाकिस्तान की साइड पे आए थे। ठीक है, सो माय मॉम बिलोंग्स टू श्रीनगर कश्मीर। और आपका जो इब्तदाई ज़िंदगी है वो यहाँ इस्लामाबाद में गुजरी? हाँ, इस्लामाबाद में, हाफ आप कह सकते हो सियालकोट। ओके, और कॉन्वेंट से हमने पढ़ा हुआ है, फिर हमने जो बाकी की अपनी लाइफ का जो किया है वो इस्लामाबाद से ही। अच्छा, तो लोरे, क्या शुरू से ही मीडिया का शौक था कि शोबिज में जाना है? शुरू से आई वॉज लाइक, मैं सोचती थी कि जब मैं स्कूल टाइम में थी ना, मैं गुनगुनाती रहती थी, यू टू सिंग अ सॉन्ग विद माई लाइक फ्रेंड्स एंड ऑल माई यू नो मेट्स। हम सब बैठते थे और जब स्कूल की छुट्टी होती थी तो हम एक गोल से सर्कल जैसे फीमेल्स बना के बैठती थी एंड वी यूज टू सिंग सॉन्ग। एंड आई डोंट नो कि मैं बाद में जाके सिंगिंग करूँगी या नहीं करूँगी, ये बस अल्लाह पर डिपेंड है कि आपको पता नहीं कि आगे 5 मिनट्स के बाद क्या होना है। इंसिडेंटली आप इस तरफ आ गए? इंसिडेंटली। अच्छा, इस वक्त अलौरा आप एक कंपनी की CEO भी हैं। यस। सो ये अपनी कंपनी एस्टैब्लिश करने का और कंपनी के बारे में कुछ बताएं। ये कंपनी एक्चुअली कल्चर एक्सचेंज की है कि हम जैसे और मुल्क हैं उनके साथ हम मिलके उनके मुल्क को अपने मुल्क में प्रमोट करना चाह रहे हैं और अपने मुल्क के कल्चर को उनके मुल्क में जाके प्रमोट करना चाह रहे हैं। आप आर्टिस्ट को भी एक्सचेंज, कल्चर एक्सचेंज कर सकते हैं, उसमें एजुकेशन भी आ सकता है, देयर आर मेनी थिंग, मतलब ओवरऑल कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम। यस, ठीक है। और इसको आप कितनी कंट्रीज के साथ आप लोगों का कोलैबोरेशन है? हमारा अभी आपको पता कोविड हुआ, पैंडेमिक के बाद आपको पता बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, डिजिटल पे जा चुकी हैं। तो हमने रिसेंटली कोविड से बैक पे हमने किया था, CPAC को बहुत प्रमोट किया है, हम चाइना गए हुए हैं, चाइना की मैं अम्बेसडर बन के हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। तो आई लव माई यू नो कंट्री अलॉट, तो जहाँ पे भी जाते हैं हमारी पहचान एक कंट्री से ही आगे हम पहचाने जाते हैं। ग्रीन कार्ड को हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बिल्कुल जी, रिस्पेक्ट भी देनी चाहिए, इम्पोर्टेंस भी देनी चाहिए, इसकी वजह से हम हैं। अच्छा लोरे, आप यूथ एम्बेसडर भी हैं? यस, कल्चरल यूथ एम्बेसडर। ओके, कल्चरल यूथ एम्बेसडर। सो ये कल्चरल यूथ एम्बेसडर को थोड़ा सा डिफाइन करें। एक्चुअली हम लोग जिस जगह बैठ के हमने कंपनी ओपन की है, ये है रेड जोन एरिया, उधर हर तरह की कंट्री की एम्बेसीज हैं। तो उधर हम लोग एज अ यंगस्टर सबसे पहले हम अंदर एंटर हैं कंपनी को लेके, जिससे हमें अंदर के लोग बोलते हैं कल्चर यूथ एम्बेसडर, दे गिव अस, हमें उन्होंने एक लकब दिया कि आप लोग आए हैं। विद इन पाकिस्तान है या इंटरनेशनल है? हमारे पाकिस्तान में जिस जगह हम बैठे हैं वो एक्चुअली हमारा पाकिस्तानियों की जगह नहीं है, वो फॉरनर्स की जगह है। तो उधर अगर हमारे पाकिस्तान की तरफ से कोई भी जाता है, कोई भी काम करता है, तो वो एम्बेसडर ही कहलाता है। ओके, सो आपको लगता है जब आप पाकिस्तान की तरफ से एक नुमाइंदगी कर रही हैं, कल्चर यूथ एम्बेसडर हैं आप, तो आपके कांधों पे एक बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है। तो आज हम पूरा दिन आपके साथ हैं, तो मैं चाहूँगी ये जो आपके डिफरेंट फेजेस हैं, आप एम्बेसडर भी हैं, आपकी कंपनी भी है और आप सिंगर भी हैं, तो इसको एक्सप्लोर करते हैं और अपने व्यूवर्स को दिखाते हैं। या श्योर, व्हाई नॉट, आइए चलें, लेट्स मूव। Thank you.
हम अभी जा रहे हैं स्टूडियो पे जहाँ पे हमने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। बिल्कुल, आपके कारनामे हम भी देखेंगे, अपने व्यूवर्स को भी दिखाएंगे। अच्छा लोरे, वैसे तो आपका प्रोफेशन ही काफ़ी इंटरटेनिंग और वो है, लेकिन इसके अलावा हॉबीज़ क्या हैं? हॉबीज मॉर्निंग वॉक विद डॉग्स, इनकी वजह से मेरी वॉक सही रहती है। और समटाइम्स आई यूज टू वॉच मूवीज टू मेक माई सेल्फ गो टू स्लीप। सोने के लिए भी आपको पता कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अच्छा। और समटाइम्स हम लोग बैठ के कंपोजिशंस बना रहे होते हैं, डिफरेंट आइडियाज पे काम कर रहे होते हैं, तो ये भी तरह की हॉबीज़ में हमारा आ जाता है। आ जाता है। कभी कभार कोई नॉवल खोल के उसके अंदर से कुछ सर्च कर रहे होते हैं, आपको तो जब तक सर्च नहीं करेंगे काम ही आपका इट्स सेल्फ एंटरटेनिंग और हॉबीज, मतलब सब चीज़ें इसी में ही कवर हो जाती हैं। डोंट आस्क। अच्छा, तो कुछ अमूर खानादारी यानी खाना पकाना, माई मॉम इज़ पंजाबी, पंजाबी लोग खाना पीना ही तो उनका सबसे एक अच्छी चीज़ खुराक होती है। तो आपको भी सिखाया है उन्होंने कुकिंग? हाँ, मॉम ने सिखाया नहीं, मॉम को देख देख के सीख लिया। अच्छा। क्योंकि आजकल की माएँ कहाँ बच्चों को वो कहती हैं आके सीखो, बच्चे तो किचन तक किचन के पास से नहीं गुजरते। तो सो यू कुक एवरीथिंग? हाँ यस, वो देख देख के ना, कभी गाँव जाते थे नानों को बनाते हुए देखा, कभी खाला की तरफ गए उन्हें बनाते हुए देख रहे थे, तो रेसिपी तो एक ही होती है ना। ओके। अच्छा अरे, पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है इसमें किन लोगों के काम से मुतासर है? जुनेद जमशेद, अदनान समी, बहुत अच्छे बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट मुझे इसलिए लगते हैं क्योंकि जुनेद जमशेद ने एक दिल पाकिस्तान किया, उसके बाद एक नाम उनका ऐसे ऐसे लोगों के साथ उनका नाम बोला गया, जैसे अमिताभ बच्चन, इनका एक बहुत बड़ा एक इनका ड्रीम था कि अमिताभ बच्चन के साथ उनका ना एक कैबिन होना चाहिए, तो अल्लाह ने उनका देखिए ड्रीम पूरा किया, अमिताभ बच्चन के साथ उनका कैबिन हुआ। और बहुत कुछ उन्होंने लाइफ में जाने से पहले चीज़ें देखी हैं और माशाल्लाह बड़ी अच्छी वो एक खूबसूरत लाइफ जी के गए हैं, तो आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड फ्रॉम हिम। तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं शोबिज़ में? हम अब भी तो अपने आप को आप लोगों के साथ देख रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम एक साथ ही बहुत आगे हम इंशाल्लाह ताला लेकर दिखता बजाएंगे। अच्छा, सिंगल हैं? यस। और शादी पे आप लव मैरिज या अरेंज या फिर कॉम्बो? कॉम्बो आपको फेवरेट है आई थिंक, कॉम्बो वैसे कॉम्बो चलता है। मेरा फेवरेट है, आपकी राय अपनी हो सकती है। मतलब कि कॉम्बो भी हो सकता है, डिपेंड जोड़े आसमान में है, आसमान से जमीन पे कब आएंगे ये अल्लाह को भी पता है। लेकिन आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में शादी है कहाँ? शादी डिपेंड, काम कब जब ख़त्म हो गए ना, थिंग्स टू डू जो लिस्ट है वो जब कंप्लीट हो जाएगी ना, मेरी मॉम हैप्पी होंगी और प्राउड होके कहेंगी वो मेरे बच्चे ने कुछ किया है, तो मैं कहूँगी माय जॉब इज़ डन, नाउ गेट मैरिड। अच्छा एलोरे, अगर मैं कहूँ कि एलोरे का कोई ख्वाब, इट्स एन सिंगर फेमस डायरेक्शन, आई वांट टू बिकम अ डायरेक्टर। ओके। यस, मैंने कैमरास वगैरह लिए हुए हैं, आई गॉट फुल स्टूडियो इक्विपमेंट्स, वेटिंग फॉर सम गुड पर्सन, जैसे कोई यूनिवर्सिटी से कोई यंगस्टर भी करके निकले कोर्स, तो उनके साथ बैठ के सीखूँ, दूर से जैसे शॉर्ट्स लेना, यू नो बचपन से ना मुझे ना इन चीज़ों को ना अरेंज करना कि चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, लड़की यू नो टैबलोज जब हम बचपन में होते थे तो बड़ा कपड़ों को देखना, फिर उनको सीक्वेंस में तो सब सिंगिंग को कहाँ रखती हैं आप? सीक्वेंस ये जो सिंगिंग है ये तो हम बचपन में ना जब हमारी छुट्टी होती थी, हम सारी लड़कियाँ स्कूल बस का वेट कर रही होती थी, गोल दायरा बना के हम लोग गा रहे होते थे कुछ ना कुछ जो भी आ रहा होता था, तो आपने वो भी गेम बचपन में शायद अपनी फ्रेंड्स साथ खेली हो जिसमें जब सारे गामा सुबह रुकते हैं तो उसी से आपको स्टार्ट करना होता है। यस, तो वो बस एक बचपन का शौक था। जब 2015 आया साल तो उस वक्त क्रिकेट पाकिस्तान का मैच इंडिया के साथ चल रहा था, तो हमारे कुछ लोगों के साथ ना ऐसे बैट लगी, तो वो कहते हैं इम्पॉसिबल, क्योंकि फरवरी का टाइम था और 9 फरवरी को 2015 में मैंने कहा था कि चलो हम लोग क्रिकेट पे बनाते हैं, हमारा पाकिस्तान ना लूज़ कर रहा था, तो मुझे कुछ लोगों ने कहा इम्पॉसिबल 15 फरवरी को इंडिया पाकिस्तान का मैच है, आपको पता है सॉन्ग बनाना, कंपोजिशन करना, फिर उसके बाद आपने वीडियो बनाना, ये इम्पॉसिबल काम है। अलोरे, ये वही PSL का सॉन्ग है जिससे आपको शोहरत भी मिली और इसने आपको आपकी अपनी जो इनर सलाहियतें हैं सिंगिंग की उससे भी मिलवाया, आई थिंक सो। यस, क्योंकि जब स्टूडियो में हम कंपोजिशन बनाने के ना तो वो कहते हैं कि आपके पास क्या आइडिया है, तो वही मुझे बचपन की जो हम लोग बैठ के गोल दायरा बना के बस का इंतज़ार करते थे और वो जो चीज़ हम गाते थे उस चीज़ का ना मैं थोड़ा सा उन्हें ना थीम मैंने बताई ना किस तरह का ये टेम्पो है इस टाइप का, तो उन्होंने कहा इसे थोड़ा सा चेंज करें,
चेंज करके फिर एक हमारे उस्ताद उधर आके बैठे, उन्होंने कंपोजिशन को ऐसे मोटिवेशनल लेवल पे उन्होंने कंपोजिशन को बना दिया और टेम्पो वही था। तो फिर वो जब चीज़ बन के आई और उसके बाद हमने वीडियो बनाई और हमने कॉल करके लोगों का कि वी जस्ट कंप्लीट दिस ऑल थिंग प्रोसेस, तो दे लाइक व्हाट यू डन द वीडियो, ऐसा कि यस आप प्लीज़ अपना व्हाट्सएप चेक करें, हमने आपको सेंड किया है। वो प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जब देखा उन्होंने कॉल किया और उन्होंने कहा कि मीटिंग करते हैं कल। 14 फरवरी स्टार्ट हो गई थी और 15 को पाकिस्तान इंडिया का मैच था। उन्होंने कहा ये आजकल के हालात के साथ जा रहा भी है और इसमें काफ़ी ना ज़रा उसमें वर्ड से ज़रा जोश से थोड़ा होश से तो ना ये चीज़ें उस कंपोजिशन के साथ जा रही थी। तो उन्होंने उसके अगले दिन जब हम सुबह उठे हैं तो हर टीवी चैनल्स पे ऑन एयर हुआ हुआ था। डिफरेंट मल्टीपल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना वीडियो से रिलेटेड वो हम लोग ना यहाँ पे डील करते हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स आते हैं इनडोर जब हम लोग करते हैं प्रोजेक्ट्स को ना, और कुछ आउटडोर भी होते हैं। तो ये आपका इनडोर है? या यस दिस इज़ इनडोर। और हमारी भी जो टीम है ना तो वो अभी आपको पता है काफ़ी उन्हें पता है कि हम लोग हमारी टीम आपकी आ रही है तो काफ़ी लोग इधर से उधर हुए हैं। अलोरा सिंगिंग में आपका कोई उस्ताद है? ऑफ कोर्स हर एक के उस्ताद होते हैं और मेरे भी उस्ताद हैं मिस्टर सरफराज, ये आपदा मैम हैं, आपदा बनी का नाम सुना होगा और माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है उनका। तो उन्हीं के उनको भी ये उनके पास भी क्लासेस के लिए जाते हैं और ऑफ कोर्स ये एटीवी में भी क्लासेस देते हैं। अच्छा, तो ये वीक में 2 डेज क्लासेस होती हैं तो उस्ताद का बड़ा एहतराम है हमारे मुल्क में आपको पता होता है तो खुद जाना पड़ता है। अच्छा, सुना है कि सिंगिंग करने के लिए बहुत रियाज करना पड़ता है और ये सब चीज़ें आज भी मतलब आज के दौर में भी ये सब कुछ होता है, ये सब चीज़ें आप लोग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से मैनेज कर लेते हैं? हमारे उस्ताद जो हमें बोलते हैं क्योंकि हम तो सीखते उस्ताद उनसे है ना, तो वो हमें ये कहते हैं कि लाइफ में जो हुनर है ना वो ज़रूर सीखना चाहिए क्योंकि बड़े स्टेजेस में आप कभी भी ना जब खड़े होते हो तो आप कभी भी मात नहीं खाते हैं, तो इसलिए हुनर सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ये बताएं अलोरे कि आपने जो PSL के लिए सॉन्ग गाया फिर उसके बाद आपने फीफा वर्ल्ड उसके फुटबॉल के लिए भी, तो इसकी क्या वजह, आपने खास इनको क्यों चूज़ किया इवेंट्स को? बिकॉज स्टार्ट ही मैंने क्रिकेट से किया तो क्रिकेट और जैसे प्लेइंग जो गेम्स होती हैं उनमें मेरा काफ़ी दिलचस्पी थी और मैंने आर्मी पे भी किया सॉन्ग, तो काफ़ी अपने मुल्क की जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं जो हमारे मुल्क को आगे लेके जा रही होती हैं और दुनिया में आपको पता है इन चीज़ों को बड़ा देखा जाता है तो मोटिवेशन मिलती है जिनसे, मोटिवेशनल टाइप जो चीज़ें होती हैं। यू राइट। अच्छा, आजकल हम ये देख रहे हैं हमारे शोबिस में एक नया ट्रेंड चल रहा है कि जो एक्टिंग कर रहा है जो एक्टर था वो अब सिंगर भी बन रहा है और जो सिंगर है वो एक्टिंग भी कर रहा है, तो आपका कुछ ऐसा प्लान है फ्यूचर में? पाकिस्तान में आपको मल्टीपल काम करने चाहिए क्योंकि काम कोई भी हो, काम में ये नहीं कहना चाहिए कि अगर आप कीड़े निकालें कि ये काम में करने में आपको इंसल्ट फील होती है, काम होता है। एक्टिंग का आपका इत्तेफाक हुआ? एक्टिंग का बहुत दफ़ा ऑफर्स हुई हैं लेकिन एक्टिंग के लिए आपको पता है काफ़ी ये भी एक हुनर होता है, इसे सीखना पड़ता है क्योंकि अगर कोई मुझे कहे कि आप रो के दिखाएं तो ऑफकोर्स मैं नहीं कर सकूंगी। तो जो आपकी म्यूजिकल वीडियोस में एक्टिंग होती है आपको नहीं लगता वो काफ़ी हेल्पफुल हो? वो तो पूरी टीम का एक कमाल होता है, जैसे आपकी पूरी टीम है तो जब हम लोग वीडियो भी बना रहे होते हैं तो उसके पीछे भी एक पूरी टीम होती है, आपको मोटिवेट कर रही होती है, आपने किस तरह के कपड़े पहने हैं, आपने किस वर्ल्ड पर कौन सी एक्टिंग करनी है, सारी टीम है।
अच्छा, आपकी वीडियोस की थीम कौन डिसाइड करता है, मतलब कि किस थीम पे ये वीडियो बनेगी, सॉन्ग का और ये सब चीज़ें? हाँ, ये मैं खान है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, पिंजी इस्लामाबाद में होते हैं और माशाल्लाह बहुत सी मॉडल्स को आगे तक लेके गए हुए हैं, बहुत से सिंगर्स को भी प्रमोट किया है और माशाल्लाह ये अभी तक इतने सालों से काम कर रहे हैं और इनका काम नज़र आता है, क्योंकि एक तो प्रोजेक्ट को डील नहीं करते हैं ये, मेरे ख्याल से दिन में एक दिन में कितने प्रोजेक्ट्स को डील कर रहे हो, तो जिन्हें काम मिल रहा होता है वही इन होते हैं। ओके, तो अब हमें आप लेकर कहाँ चल रहे हैं? हम आपको लेके चल रहे हैं ऑफिस की साइड पे, और अभी यहाँ से चलेंगे और फिर उधर जाके थोड़ी बहुत चिट-चैट होगी। अब हम एक्सप्लोर करेंगे कि लोरे एज अ सीईओ कैसे है। यस यस, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। तो लोरे, ये है आपकी कंपनी ट्रिब्यूट वी कल्चर। यस, ये मैं जानना चाहूंगी कि इसका ख्याल कब, कैसे, क्यों आया और कब आपने ये कंपनी फॉर्म की? ऑफ कोर्स, अपने वतन से मोहब्बत जिन लोगों को, तो वो तो इस तरह के काम करते ही रहते हैं, और इसका जो ख्याल है वो, आई एम आर्टिस्ट मायसेल्फ, तो बहुत से टैलेंटेड लोगों को मैंने मिसयूज़ होते हुए देखा है, उनके टैलेंट को ख़राब होते हुए देखा है, तो आई एम मायसेल्फ आर्टिस्ट, मुझे ये चीज़ें नहीं अच्छी लगी, तो मैंने कहा व्हाई डोंट वी ओपन अ एक कल्चर प्लेटफॉर्म खोलते हैं, जहाँ पर हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म दें कि जहाँ पे लोग आके अपने टैलेंट को इन्हेंस भी कर सकें और आगे तक पहुँचने का उन्हें एक मौका भी मिले। अच्छा अलोरे, आप टैलेंट की बात कर रही हैं और यहाँ पर आप ट्रिब्यूट वी कल्चर भी है, तो कल्चर और टैलेंट, इसको आपने कैसे मिक्स किया हुआ है? कल्चर और टैलेंट, क्योंकि कल्चर के अंदर हर चीज़ आ सकती है, वी कैन वर्क ऑन मैनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि कल्चर एक बेसिक चीज़ होती है जिस पे हम रख के कोई भी अगर हम बात करेंगे ना, तो पूरी दुनिया में जहाँ पे भी कोई लोग बैठे होंगे वो सुनेंगे, लेकिन हम अगर कल्चर एक्सचेंज की बात करेंगे ना, हम अगले की भी, जैसे आप हैं, अगर मैं बोलती जाऊँगी, मैं करूँगी, तो आपको ऑफ कोर्स ये चीज़ें नहीं अच्छी लगेंगी। अगर मैं आपकी भी राय पूछूँगी कि आप अपने कल्चर में किस तरह का आपका रहन सहन है, तो ऑफ कोर्स ये चीज़ें पूरी दुनिया में लाइक करते हैं, एक सॉफ्ट इमेज भी आता है। तो अलोरे, आपने इस प्लेटफॉर्म से क्या प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, मतलब किस तरह से आप काम करते हैं, अब तक क्या प्रोग्राम? कोलैबोरेशन हम करने की कोशिश कर रहे हैं अंदर के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के जो एम्बेसीज को हम कोलैबोरेट करें, सबसे पहले उनके आर्टिस्ट को हम एक अच्छी प्रपोजल की शेप में हम उनकी एम्बेसीज को सेंड करें, जिस पे वो हमें कहेंगे कि आए पूरी टीम के साथ, आप हमें प्रेजेंटेशन दें, तो इट्स ऑल अ टीम वर्क। ये बहुत आपका एक अच्छा पर्पस है कि अपने कल्चर को ट्रिब्यूट करना और बाकी कल्चर्स के साथ उनका एक एक्सचेंज प्रोग्राम, इट्स एन यूनिक आइडिया। आप ये देखें, एक डिफरेंट काम कर रहे हैं, टैलेंट को आगे लेके आ रहे हैं, बता रहे हैं, तो ये भी एक तरह का आप यूथ को और लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं बिल्कुल अपनी बात बताने का, तो इट्स अ गुड आइडिया। आप लोग भी एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी भी दुआएं आपके साथ हैं और इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं। चलें, चलते हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ। यहाँ पे जहाँ पे मैं आपको लेके आया, यहाँ पे हम सब सिंगर्स बैठ के डुएट करते हैं, कंपोजिशंस राइट करते हैं, और बहुत से मल्टीपल सिंगर्स आके इधर बैठ के हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ बैठ के कुछ नई चीज़ बनाने की ना कोशिश कर रहे होते हैं। तो अलोरे, यहाँ आप आके रिलैक्स करती हैं, एंटरटेन होती हैं, एक आर्टिस्ट के लिए जो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है खुद, उसके लिए एंटरटेनमेंट कितनी ज़रूरी है? जैसे इंसान को पानी की ज़रूरत होती है, अच्छा, इसी तरह आर्टिस्ट के लिए भी ये चीज़ें ना, एक ओपन माहौल में आके बैठना और एक आईडिया पे काम करना और एक जैम सेशन करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक अच्छा आइडिया बनाने के लिए। अच्छा आइडिया बनाने के लिए, और इसके लिए आप इसी तरह की क्रिएटिव वेन्यूज चूज़ करती होंगी, मतलब ऐसी जगहें जहाँ पे आपको क्रिएटिव आइडियाज़ आते हों? यस ऑफ कोर्स, जब आप ओपन एयर में बैठे होते हैं और आपके साथ और भी मल्टीपल टैलेंटेड लोग बैठे होते, तो ऑफ कोर्स क्रिएटिव चीज़ें तो हो ही जाती हैं। अच्छा अलोरे, आपने वैसे बहुत से सॉन्ग्स किए, कभी आपने ओपन शोज में परफॉर्म किया? यस, मैनी टाइम्स। अच्छा, आई वेंट टू लाइक चाइना, आई परफॉर्म देयर, आई वेंट टू यूके, आई did two three performances there, okay, but it was a quite hard task,
पर थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. यू नो पीपल आर सो मच गुड हियर, दैट्स व्हाई वी यूज टू कम हियर. आपने देखी इनकी हॉस्पिटैलिटी, द वे दे यू नो ट्रीट यू एंड ऑल आर्टिस्ट, इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म. अच्छा अलूरी, ये बताएं कि ज़्यादा मज़ा किस में आता है, रिकॉर्डेड जो आपके एल्बम्स होते हैं, गाने होते हैं वो, या एक का आपको ऑडियंस के साथ इंट्रैक्ट करके ज़्यादा मज़ा आता है? ऑडियंस के साथ एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है. अच्छा. आप जब जम सेशन कर रहे होते हो वो टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है. तो इसे कहते हैं मल्टीपल टास्किंग होनी चाहिए लाइफ में. तो आप भी देखें ना, कभी एक तरह का तो खाना कोई नहीं खाता होगा ना. तो यू वांट डिफरेंट डिफरेंट थिंग, या टेस्ट चेंज होना चाहिए, डिफरेंट एनवायरनमेंट होना चाहिए, फ्यूजन होना चाहिए हर जगह ना चाहिए. खुद आप किस तरह का म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं? पॉप. अच्छा, तो लोरे आपने अब तक कितनी गाने कंपोज करवा लिए हैं? मोर देन 12-13. ओके. और ये सारी वीडियोस और बहुत से ऐसे सॉन्ग्स हैं जो अभी 4-5 मैंने बना के रखे हुए हैं. अच्छा. और वो नहीं किया आपने? बस वो इस कंपनी की वजह से ना प्रोजेक्ट्स वैसे पड़े हुए हैं सब. कंपनी ने बहुत हार्ड टाइम दिया, बहुत. तो ये वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करती हैं आप? अल्लाह करवाता है. अल्लाह से पूछो. आई हैव नो आइडिया. थैंक यू, शुक्रिया. शुक्रिया, थैंक यू. ये सरप्राइज आपके लिए, क्योंकि आपको कहा था मेरे सबसे फेवरेट जो सिंगर्स हैं उनमें से कोई एक. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? देखें सरप्राइज. इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज. यस. कैसे हैं आप? ठीक ठाक? ठीक ठाक. इट्स बीन लॉन्ग टाइम. लॉन्ग टाइम. यस. अलोरा ने वाकई एक प्लेजेंट सरप्राइज दिया, आपसे मिलवाया. कैसा चल रहा है आजकल आपका काम? बस कोविड जा रहा नीचे, होपफुली वन इज ट्राइंग टू गेट बैक. म्यूजिक पे कितना काम हो रहा है? म्यूजिक मैंने लास्ट रिलीज की थी 2 साल पहले सॉन्ग अपना. अच्छा. उसके बाद नहीं किया. देखें अब आई डू हैव अ सॉन्ग. देखें क्या होता है. 2 साल का गैप लिया हुआ है आपने? जी जी, बस यही, इसी वजह से कोविड आ गया था, फिर बंदा फिर आइसोलेट हो गया बस. आज अलोरे हमारी मेहमान है, यानी और की मेहमान है. सो हमने सोचा कि इनका आपके बारे में इनसे राय ली जाए, क्योंकि आप भी सिंगर हैं और ये भी आज हमारे पास एक पाकिस्तान की उभरती हुई सिंगर है. सही बात. तो इनके बारे में आप कुछ अपने तासुरात शेयर करें. लेटली आई हैव नॉट हर्ड योर स्टफ, पर इनके बड़ा अच्छा है. आई एम द सॉन्ग्स और वीडियोस आई हैव सीन. यस. सो शी इज डूइंग वेल. शी वाज डूइंग वेल. यस, वी आर लाइक अ फैमिली ना. तो हम एक दूसरे को हर चीज पे कॉल करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं. तो ऑफ कोर्स फैमिली में जो चीज़ होता है वो एक दूसरे की खबर होती है. तो एक दूसरे की तरह के पिलर्स होते हैं हम. तो अदान, अब हम बहुत जल्द कुछ ना कुछ टू इट प्रोजेक्ट कर लेके आ रहे हैं, साथ करेंगे इंशाल्लाह ताला. तो आप बताएं, मैंने आपको जो कहा कि मेरे सबसे जो फेवरेट सिंगर हैं पाकिस्तान के. बिल्कुल बिल्कुल. तो इनके फेवरेट सिंगर हैं जुनेद समी और जो है अदनान समी, जुनेद जमशेद. सो मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन इन्होंने हमें एक प्रेजेंटली सरप्राइज दिया कि आपसे मिलवाया. यस. और मेरे ख्याल से आपका नेक्स्ट शो भी जो आने वाला है, अपकमिंग, हो वो आप हैं. तो हमें टाइम दें तो हम तो इस पे काम करेंगे. श्योर श्योर, एब्सोल्युटली. तो आप क्या कहते हैं, टाइम देंगे आप? माशाल्लाह, बहुत अच्छे शो कर रहे हैं. जिन्हें म्यूजिक के हवाले से बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान में म्यूजिक के हवाले से कैसा काम हो रहा है. I am not in touch really. जब से COVID, as I said, जब से COVID आया तो I am just totally isolated. लेकिन I'm sure everything will get back in place. Yes. Inshallah, जी. मतलब वो आपका 2 year का gap आ गया. जी हाँ, 2 year gap आ गया. Yes. आपने कोई गाना सुनाया? जी, मेरा आया था 3rd गाना, वो है दिल तन्हा आवारा. It goes, दिल तन्हा आवारा, यादों में बेचारा, ये रहना पाएगा ढूंढे तेरा सहारा. दिल तन्हा आवारा, यादों में बेचारा, कैसे भूलूं वो यादें, वो बातें तेरी, वो भीगी बरसातें, वो रातें तेरी. माशाल्लाह, बहुत खूब. अलोरे, मैं चाहूँगी कि पाकिस्तान जो है वो फुल ऑफ टैलेंट है, लाइक यू. तो इस टैलेंट को चैनलाइज करने की बहुत ज़रूरत है. इसमें हमारा प्रोग्राम भी एक एफर्ट है, लेकिन आप जैसे जिन्हें जैसे लोगों की बड़ी एक एग्जांपल है. तो आपका कोई मैसेज हमारे व्यूवर्स के लिए? सिर्फ इतना सा मेरा एक मैसेज है कि
जो आपने सोचा है ना उसे पूरा करें लाइफ में. नेवर स्टॉप बिलीविंग. जो सोच है ना उसे उस पर मेहनत करते रहें, एक ना एक दिन आपको ज़रूर अल्लाह आपको ना उसका अजर देगा. सो नेवर स्टॉप बिलीविंग. ड्रीम्स तो देखना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. बहुत शुक्रिया अलोरे आपका, बहुत शुक्रिया जुनैद आपका. सो व्यूवर्स, ये थी अलोरे, एक नया उभरता हुआ सितारा पाकिस्तान शोबिस का. हम इन्हें गुड लक कहेंगे कि ये भी अपना नाम बनाए. और इस तरह का बहुत टैलेंट है जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहा है. और अलोरे की बात है कि डोंट गिव अप एंड बिलीव योरसेल्फ. मुझे अपनी होस्ट नौशीन तारिक को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.